2019 के चुनावी महाकुंभ की रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ बिछ गई है सियासी संभावनाओं की बिसात, जिसमें मोदी और कांग्रेस तमाम कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टी के एक दिग्गजों की अजमाइश अभी से शुरू हो गई है, पर सत्ता के सिंहासन का हकदार कौन होगा ये वो तय करेगा जो बनेगा 2019 के लोकसभा का किंग मेकर। जी हाँ, वही करीब 2 दशकों के बाद शायद ये पहला मौका है जब लोकसभा की लड़ाई इतने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर का किरदार इतना अहम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टी के नेता अपने विपक्ष पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं और जमकर निशाना साधते नहीं चुक रहे हैं। बता दें, सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने दावा किया है कि ना तो पीएम मोदी और ना ही अरुण जेटली को अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार अपने ही पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी और अरुण जेटली भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं, जबकि देश इस सूची में 3रे नंबर पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी जेटली की आलोचना करते रहते हैं, जबकि भारत इस सूची में 3रे स्थान पर है। स्वामी ने कहा है कि ये समझ नहीं आता है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना की वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य प्रतिक्रियाओं के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवाद पैदा करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री ये क्यों कहते रहते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उन्हें अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है और वित्त मंत्री भी अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।